सज्जनो भूयात्, दुर्जनो सज्जनो भूयात्, सज्जन शांति माप्नुयात्, शांति माप्नुयात, शांतो मुच्यत बंधेभ्य, शांतो मुच्यत बंधेभ्य, मुक्तस्य अन्य विमोक्षयेत, मुक्तस्य अन्य विमोक्षयेत। दुर्जन सज्जन हो, सज्जनों को शांति मिले, और शांत मुक्त आत्मा हो, और मुक्त आत्मा दूसरों को मुक्त करे। ओम ओम ओम। बंधन किसी को प्रिय नहीं। आप घर में बैठते हैं, अंदर से कुंडा लगा के तो मौज में है, लेकिन किसी ने आकर कुंडा मार दिया है तो पसंद नहीं करोगे, बंधन लगता है। हम हमारी मर्जी से बंद करके बैठे अलग बात है, तेरे बाप का क्या जाता। हम कोई चोर हैं क्या, कोई डकैत हैं क्या, मेहमान होके आए और तुम बाहर से कुंडा बंद कर दो, हम तुम्हारे घर में रहना ही पसंद नहीं करेंगे। आपको ऐसा मन में सोचना हो जाएगा, बंधन आप नहीं चाहते, क्योंकि आपका असली स्वभाव बंधन रहित है। आप मुक्त आत्मा की अमृतमय संतान हो, आप चैतन्य आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा, निर्लेप आत्मा की अमृतमय संतान हो। जो जिसका पुत सपूत होता है वो उसी के तरफ उसका जाता है स्वभाव। अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ऐसे के छोड़ अला रेवादन देवादन डपो, युद्ध नहीं करेगा। सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार अपने कर्म के तरफ खिंच जाते। तेरा क्षत्रिय स्वभाव है, आतताही अत्याचारी, अन्याय करे और तू चुप बैठे। लाक्षाग्रह में जलाने का किया, द्रौपदी को नग्न करने का किया, अब सामने युद्ध करने का आया तो बोले मैं साधु बन जाऊंगा। ऊपर ऊपर से बोलता है, साधु बनने का वैराग्य होता तो पहले ही करता, मैं युद्ध नहीं करूंगा, भिक्षा मांग के खाऊंगा, रहने दे रहने दे। जो जिसका जैसा स्वभाव होता है ना, उसे वो कर्म सहज में हो जाता है। एक बार थोड़ा चुटकुला है, कोई फौज का फौजी वॉलंटियरशिप लेकर निवृत्त हो गया। अब घर में रहा तो फिर घर का सामान लेने तो जाना पड़े, बड़ा कटोरा दही का लेके जा रहा था, किसी को सूझ गई अटेंशन, वो कटोरा वहीं रहा और साफ सीधे हो गए। बोले वो स्वाभाविक कर्म था, अटेंशन सुनते ही दोनों हाथ सीधे हो गए कटोरे के सीधे। ऐसे ही साधक का अपना स्वभाव होता है, पहलवान निवृत्त हो जाए, रिटायर हो जाए, कहीं कुश्ती होती होगी तो पहलवान वहाँ पहुँच जाएगा, कुश्ती खेलेगा नहीं तो देखेगा जरूर। अपने अपने स्वभाव के अनुसार हर चीज आकर्षित होती है। तो आपका असली स्वभाव क्या है? आपका असली स्वभाव सुख रूप आत्मा, इसलिए आप सुख के तरफ आकर्षित होते हैं। चाहे कीड़ी हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे कोई भी हो, सुखद अवस्था के तरफ आप खींच के जाते। जैसे अटेंशन बोलने से दही का ऐसा वैसा आप अटेंशन हो गए, ऐसे ही जहाँ सुख देखा वहाँ आप झुक गए। तो आपका सुख स्वभाव है, चेतन स्वभाव है, मरना पसंद नहीं करते, जड़ता पसंद नहीं करते, दुख आप पसंद नहीं करते। तो आपका असली स्वभाव है सत चित आनंद स्वभाव। शिव जी ने बहुत सुंदर ऊंची और सारभूत बात कही पार्वती को, निमित्त तो पार्वती थी हम सब लोगों के लिए। शिव जी कहते हैं उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावन आना। जो रोम रोम में रम रहा है चैतन्य आत्मा, उसका स्वभाव जिसने जाना, वो उसका भजन छोड़कर किसी भाव में, किसी परिस्थिति में, किसी अवस्था में रुक नहीं सकता।
राम स्वभाव जाना, उसके भजन के बिना वो रुक नहीं सकता। तो भजन किसको बोलते हैं? किम लक्षणम भजनम, क्या हो? राग रागिनी गाना उसको भजन बोलते हैं, गीत और कवालियां गाना उसको भजन बोलते हैं, माला घुमाना उसको भजन बोलते हैं, जटाजूट करना उसको भजन बोलते हैं, अथवा घर गृहस्थी में चिपक चिपक के फंसना उसको भजन बोलते हैं? नहीं। किम लक्षणम भजनम, ले रसनम लक्षणम भजनम, भगवत रस आए इसका नाम है भजन। शबरी भीलन झाड़ू बुहारी लगाती गुरुद्वार पर, भजन हो जाता है। मीरा पद गाती है, गीत गाती है, सत्संग करती है, सुनती है, सुनाती है, रहीदास के चरणों में जाती है। सकड़ी गली में रहीदास जा रहे थे, मीरा मिली और मीरा ने गुरु को प्रणाम किया, और वो चमार जाति के थे, और मीरा तो क्षत्रिय जाति की पटरानी महारानी। विक्रम राणा ने मीरा को कहा कि मीरा भाभी तो क्या करती, दो चार बच्चे हो जाए बाद में साधु बाबा से मिले तो कोई बात नहीं, अभी तो युवती है और साधु बाबा से सकड़ी गली में खड़ी होकर बातें करती है, लोग कुछ का कुछ बोलते हैं। मीरा ने कहा जेठ जी मेरे दिल की बात सुन लो। राणा जी मन या बदनामी लागे मीठी, मेरे को ये बदनामी मीठी लगती है, मेरी कोई निंदा करता है अच्छा है, मुझे गुरु से जो सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, मेरा अपना स्वभाव गुरु के स्वभाव से, गुरु का स्वभाव मेरे स्वभाव से, और हम दोनों के स्वभाव में परमात्मा स्वभाव दिखता है। राणा जी माने या बदनामी लागे मीठी, कोई निंदो कोई बिंदो, मैं चलूंगी चाल अनूठी, राणा जी मने या बदनामी लागे मीठी। सांकली गली में सतगुरु मिलिया, सकड़ी गली में सतगुरु मिले, क्यों कर फिरूं अपूती। दो अर्थ होते, एक तो बाहर की सकड़ी गली और दूसरा अंतरात्मा में श्वास अंदर जाए तो राम अथवा ओम, बाहर आए तो भगवान का नाम, तो उसमें भी गुरु जी मिले, अर्थात गुरु का रस प्रभु का रस मिला। सकड़ी गली में सदगुरु मिलिया, क्यों कर फिरूं आपूति, अब मैं आपूति कैसे रहूंगी, हजारों लोग मेरे को माताजी बोलेंगे, मैं क्या आद्य सत्ता से जुड़ी हूँ, सतचित आनंद स्वरूप आत्मा से जुड़ी हूँ, तो मैं आपूति कैसे, हजारों पूत हमारी तो है। सतगुरु जी सु बाता करता, सतगुरु से बातें करते, दुर्जन लोगों ने दिखी, दुर्जनों ने मेरे को देख लिया, और दुर्जनों की नजरिया थी लवर लवरीज की, प्रेमी प्रेमिका के, लेकिन हम प्रेमी प्रेमिका हैं लेकिन शरीर के प्रेमी प्रेमिका नहीं है, हम उस आत्मपद के प्रेमी थे। मेरे गुरुजी जिस परमात्मा प्रेम से थे उसी में हम में भी जा रही थी। शरीर की दृष्टि तो चर्म दृष्टि है, तुच्छ दृष्टि है, नीच दृष्टि है, वो दुर्जनों की दृष्टि है। सतगुरु जी सु बाता करता, दुर्जन लोगों ने दी थी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मेरा तो गिरधर नागर के नाते गुरुजी से संबंध था, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो हाड़मास के नाते संबंध करते हैं, लेकिन मीरा और रहीदास जी का तो आत्मा परमात्मा के नाते का संबंध था। आपका हमारा ईश्वर के नाते संबंध है, माताएं बहनें भाई लोग है ना, ईश्वर के नाते संबंध है। तो मीरा का सदगुरु का साथ, सकड़ी गली में गुरु जी मिलिया, क्यों कर फिरूं अपूती, सदगुरु जी सु बाता करता, दुर्जन लोगों ने दीठी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, दुर्जन जलो जाए अंगीठी, सिगड़ी में जाकर जले दुर्जन, मैं तो चाल चलूंगी अनूठी, क्योंकि मीरा का स्वभाव था रहीदास के संपर्क में आने से, रहीदास का स्वभाव राम के स्वभाव को जानकर राममय हो गया था, तो मीरा के संपर्क में रहीदास आए तो मीरा का स्वभाव भी ऐसा हो गया। एक बार आप भगवान का स्वभाव जान लो, फिर कोई रोके कोई टोके कोई कुछ करे आपका मन फंसेगा नहीं। कितना भी धन हो, कितना भी सत्ता हो, सौंदर्य हो, अथवा कितना भी सब नाश हो जाए,
आपको फर्क नहीं पड़ेगा।